नमस्कार, मैं हूं मनीष वर्मा और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। दिल्ली चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, जिसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सियासी पारा बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपना पूरा दम दिखा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले फर्जी हैं, मैं उनसे हनुमान चालीसा पढ़वाऊंगा, जिससे बीजेपी वालों की भाषा में संयम आएगा। साथ ही उन्होंने कहा उनको हनुमान चालीसा नहीं आता, उनको सिर्फ गाली देना आता है। अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनाती है या फिर दिल्ली को इस बार नया सीएम मिलेगा। मैं सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अब हनुमान चालीसा गवाऊंगा, उन्हें हनुमान चालीसा गाना चाहिए, उनकी भाषा में थोड़े संयम आएगा, उनकी भाषा में थोड़ी मर्यादा आएगी, उनके हृदय के अंदर थोड़ी शांति आएगी। वो बहुत विचलित हैं, वो फर्जी हिंदू हैं वो लोग सारे। उनको हनुमान चालीसा नहीं आता, उनको भगवत गीता नहीं आती, उनको कुछ नहीं आता, केवल गाली गलौज आता है। तो सबको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, आप लोगों को भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। सबको सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, शांति मिलती है, हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर इंडिया।